हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि टैक्स जो है किन किन सिचुएशंस में और कब कब लगता है ना। मतलब मैं पर्टिकुलर से आपको बताऊंगा इनकम के, और वो चीजें जो है रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, है ना, या फिर नॉन रेसिडेंट, इन सब में कहाँ कहाँ पे वो टैक्सेबल होंगी, कहाँ कहाँ पे नहीं होंगी, मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड कलर का बटन आपको दिखेगा, इसको क्लिक करना है और ये जो बेल आइकन है इसे दबा देना है। साथ ही साथ आप हमारे माफी चाहूंगा, आप हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करके बीकॉम में आकर के आप हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आपको बहुत सारी बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको बहुत ही सस्ते दामों पे नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 हमारे चैनल की तरफ से, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट कि आप जब भी स्टडी करें आप हमारे प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट में आने के बाद ये देखो इग्नू बीकॉम न्यू, यहाँ पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जहां पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ें। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा होने वाला है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, है ना। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले नंबर पॉइंट की। सो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, whether earned in India or elsewhere, है ना। तो कोई भी ऐसा पैसा जो आपने इंडिया में रिसीव करा है या फिर आप इंडिया में रिसीव करने वाले हो, भले ही उस पैसे को आपने इंडिया में कमाया हो या किसी और कंट्री में कमाया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंडिया में उस पैसे को रिसीव करने वाले हो या कर चुके हो, तो उस केस में आपको तीनों केसेस में, चाहे आप रेसिडेंट इंडियन हो, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, तीनों केसेस में आपको टैक्सेस जो है वो पे आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। So income which accrues or arises or deemed to accrue or arise in India during the previous year, whether received in India or elsewhere, है ना। तो ऐसा कोई भी इनकम जो कि आपका इंडिया में एक्रू हो रहा है, मतलब इंडिया में वो पैसा जो है जनरेट हो रहा है, भले ही आप इंडिया के बाहर इसको रिसीव करो या फिर इंडिया में रिसीव करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पैसा इंडिया में जनरेट हो रहा है, इंडिया में तैयार हो रहा है, इंडिया से आपको एक तरह से मिलने वाला है, तो उस केस में आपका जो टैक्सेबल है वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा, चाहे आप रेसिडेंट इंडियन हो, ठीक है ना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों केस में आपका जो है टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट इंडियन, वहां पे भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, इंडिया के रहने वाले नहीं हो, फिर भी आपको टैक्स जो है पे करना है क्योंकि पैसा जो है वो इंडिया में अराइज हुआ है। ठीक है ना, नाउ इनकम विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, है ना। यहाँ पे बात बोली जा रही है कि सपोज आपको इनकम ऐसा कोई अराउज हुआ जो कि इंडिया के बाहर अराउज हुआ है और आपने पैसा रिसीव भी इंडिया के बाहर किया है ना। तो ऐसा कोई बिजनेस जो कि बिजनेस भी लेकिन बाहर में है, तीनों केसेस में यहाँ पे देखो बात बोली जा रही है कि आप भी बाहर में रह रहे हो, आपका बिजनेस भी बाहर में है, पैसा भी आपने बाहर में रिसीव किया है, तो उस केस में टैक्सेबल कहाँ कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो रेसिडेंट जो इंडियन होगा, जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडियन होगा, उनको डेफिनेटली पैसा देना है क्योंकि वो रेसिडेंट है, इंडिया में रहता है ना। साथ ही साथ जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो उसको भी पैसा देना होगा, लेकिन जो नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में रहता ही नहीं है, उसको फिर टैक्सेबल जो है यहाँ पे नहीं लगेगा, उसको यहाँ पे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, ऐसा कोई भी इनकम जो कि एक्रू या अराइज हुआ है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, सपोज ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में अराइज हुआ है, रिसीव भी आपने ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में ही किया है और जिस बिजनेस के लिए आप काम करते हो वो भी इंडिया के बाहर ही है, तो उस केस में आपको टैक्सेबल कहां कहां होगा, कहां कहां नहीं होगा। तीन सिचुएशंस हैं, एक है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इस केस में आपको जो है पैसे टैक्सेबल होंगे क्योंकि आप इंडिया के रहने वाले हो, इंडिया में रह रहे हो। दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उस केस में भी आपको पैसे देने होंगे। तीसरा होगा नॉन रेसिडेंट, उस केस में आपको टैक्स जो है नहीं देना होगा। ठीक है, चौथा सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनकम विच एक्रूज अराइजेज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स, है ना। तो तीन नंबर चार नंबर बिल्कुल ही सेम है, एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे अदर सोर्स की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं की जा रही है, बिजनेस के अलावा अगर कोई आपका अदर सोर्स है ना, जहाँ से आपको इनकम मिल रहा है, वो इनकम आपने इंडिया के बाहर रिसीव करा,
है ना, आप भी इंडिया के बाहर ही रहते हो, इंडिया के बाहर वो एग्री हुआ और इंडिया के बाहर ही आपने रिसीव करा, तो उस केस में जो रेजिडेंट और एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा सिर्फ उसी को टैक्स देना होगा, बाकी दो केसेस में उसको टैक्स जो है नहीं देना होगा। मतलब रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट उनको नहीं देना है, साथ ही साथ जो नॉन रेसिडेंट है उनको भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, पांचवें नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं और आखिरी पॉइंट है ये, इनकम विच एक्रूज और अराइजेस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया received outside India during the previous preceding year, the previous year and remitted to India during the previous year, है ना? तो suppose कोई पैसा है जो कि बाहर में arise हुआ, बाहर में ही आप रहते हो, आपको बाहर में ही मिला, है ना? तो उस केस में अगर पैसा आप इंडिया में कुछ सालों बाद अगर आप इंडिया में उस पैसे को भेजते हो तो क्या वो टैक्सेबल होगा? तो वो टैक्सेबल किसी भी केस में नहीं होगा, क्योंकि जहां पे भी उस पैसे को आप रिसीव करोगे जिस भी कंट्री में, वो ऑलरेडी उस चीज के ऊपर टैक्स ले चुकी होगी वो कंपनी, तो आपको यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, है ना? तो ये पांच इंसिडेंसेस होते हैं जहां पे टैक्स को आपको कैलकुलेट करना होता है कि किस केस में आपको टैक्स पेमेंट करना है और किस केस में आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना है। इसके ना डिटेल रूल है जिसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, किसी प्रीवियस वीडियो में मतलब आने वाले वीडियोस में मैं इसको डिटेल में आपको जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग में आपको समझाऊंगा कि रेसिडेंट इंडियन क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है और नॉन रेसिडेंट क्या होता है। मैं जब डिटेल में आपको समझाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और आपका एग्जाम आई होप कि अच्छे तरीके से जाए, इसकी मैं कामना करता हूँ। आप अच्छे से प्रिपेयर करें, एग्जामिनेशन में ज्यादा समय बचा नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करें। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।